नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नरेश मित्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट यहाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, रीट लेवल 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है और रीट लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर लाखों विद्यार्थी इंतजार करें। लेकिन उससे पहले थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में नया मोड़ देखने को मिला है और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर हाई कोर्ट में बड़ा फैसला। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, बिल्कुल स्किप न करो और अंत तक देखें ताकि आपको थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भर्तियों के रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए पढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। देखिए दोस्तों, ये आज की अपडेट है 30/5/2023 की। अध्यापक भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्नों को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर और याचिकाकर्ता गोविंद कुमार हुड्डा का कहना है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम में बोर्ड ने कई प्रश्नों को लेकर उत्तर गलत माने जाने के कारण, जिनमें याचिकाकर्ताओं के पास प्रमाणिक पुस्तक के आधार पर सही उत्तर अलग है और एम बोर्ड द्वारा जारी फाइनल उत्तर कुंजी में 5 प्रश्नों को डिलीट किया गया है और 3 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए हैं और जिसके कारण अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ, जबकि याचिकाकर्ता गोविंद कुमार के पास प्रमाणिक पुस्तकों के अनुसार सही उत्तर है। दोस्तों देख लीजिए, 5 प्रश्नों को लेकर ये बड़ा मामला देखने को मिला है और ये कोर्ट में जा चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।